नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी के थ्रू निकली है, और ये आज ही निकली है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 12/02/2020 को ये डेट्स आई हैं, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि वैकेंसीज आ चुकी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, और इसमें आपके पास 76 वैकेंसीज हैं। एंड यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यूपीएससी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से ही वहाँ पे अकाउंट है तो आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट जो है इसकी वो 3 मार्च 2020 है। एंड पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स, इट मीन्स कि जो पेपर ये होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसका सेंटर जो है आपको हिमाचल में शिमला में मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं कि जो सेंटर्स हैं तो हिमाचल में इसका केवल एक ही सेंटर है और वो है शिमला में। अब आइए बात करते हैं कि इसमें पेपर किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले आपका प्री लिया जाएगा जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एंड उसके बाद आपका मेंस होगा जो कि रिटर्न होगा, एंड उसमें इंटरव्यू होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसका सिलेबस कैसा है। ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन भी होगी। एंड एज लिमिट जो है वो 22 अगस्त 1988 से 1 अगस्त 1999 तक है, यानी 21 से लेकर 32 तक सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड नेक्स्ट है इसका सिलेबस देखेंगे हम, क्योंकि बाकी तो इसमें नॉर्मल सी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फी जो ये बता रहा है, फीस जो है जर्नल के लिए 100 है, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं सब के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अब हम नेक्स्ट इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर किस हिसाब से आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्रेस टू सक्सेसिव स्टेजेस। फर्स्ट जो है आपका स्क्रीनिंग होगी जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपका मेंस होगा जिसमें कि रिटन एंड इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट जो पेपर आपके पास आएगा वो 200 का होगा, जिसमें द एग्जामिनेशन सेल 200 का होगा। एंड बोथ द पेपर मल्टीपल चॉइस होगा, जिसमें कि आपको जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। एंड आपको 33% मार्क्स चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास वो है मेंस, और मेंस में आपके दो पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर जो है वो जनरल इंग्लिश का है जो कि 300 मार्क्स का है, एंड सेकेंड जो है वो आपका वो भी 300 मार्क्स आया है, वो होगा जनरल नॉलेज का। तो आप बाकी जितनी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं। इंटरव्यू फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ सच कैंडिडेट एज मे बी कॉल्ड बाय द कमीशन, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे कि आप आईपीएस के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानते होंगे कुछ, उसी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन सब्जेक्ट को चुनते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेंस पेपर भी होगा। बाकी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा सिलेबस है कि जैसे प्री एग्ज़ाम में करंट इवेंट्स आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मोमेंट्स। एंड सेकेंड जो है पेपर में आपका जैसे 2 आवर का होगा तो कंप्रिहेंशन आ गया,
इंटरप्रिटेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटीज़, बाकी तो इन्होंने यही बताया है सारा का सारा इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप जल्दी से इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर दें अगर किसी ने करना हो, क्योंकि यूपीएससी की साइट फिर बिज़ी हो जाती है और आपको फॉर्म भरने में देरी हो सकती है। एंड सिविल सर्विस के एग्ज़ाम भी निकल चुके हैं और उसमें आप देख सकते हैं, देखेंगे कि तकरीबन 750 वैकेंसीज उसमें आ चुकी है, वो भी यूपीएससी की साइट में आपको मिल जाएगा। अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वैसे उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इतना पता लग गया तो आपकी जो आईडी बनेगी आपको उसी के ऊपर सारा का सारा सिस्टम मिल जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।